पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव समित शर्मा ने आज 3 फरवरी से 4 फरवरी तक चलने वाला स्वच्छता अभियान की आज शुरुआत की है। जल भवन जयपुर से की समित शर्मा आज सुबह 9:40 पर जलदाय भवन में पहुंचे और उन्होंने वहां कचरा उठा रही जेसीबी मशीन के पास पड़े पुराने पेड़ की लकड़ी को उठाया तो पीएचईडी के कर्मचारियों ने भी लकड़ी को उठाना शुरू कर दिया और गेट के बाहर डालना शुरू किया। तो यहाँ पर एक मिशन की शुरुआत हुई। उसके बाद शासन सचिव समित शर्मा ने पीएचईडी के अधिकारी एवं कर्मचारियों के कमरे में गहनता से जाकर देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए और साफ सफाई को दुरुस्त करने की निर्देश भी दिए। शर्मा ने पुरानी बंद पड़ी फाइलें अलमारियों के ताले तोड़कर फाइलें निकालकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। शर्मा ने जिन अधिकारियों के कमरे साफ नहीं नजर आए उनको काफ़ी सुनाया और उनको एक हिदायत भी दी ताकि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके। शर्मा अधिकारियों के कमरों में ऊपर रखी पुरानी फाइल जिन पर धूल जमी हुई थी उन गठरियों को खुद उन्होंने नीचे उतारा। साथ ही डी के शर्मा से नाराज़ भी हुए तो लोहारिया जी ने उनकी तारीफ करने लगे। आपको बता दें कि यह स्वच्छता अभियान 3 से 4 फरवरी तक राजस्थान में चलने जा रहा है जिसकी शुरुआत आज जयपुर के जलदाय विभाग से हुई है। जल भवन जयपुर में आज शनिवार और रविवार को अवकाश नहीं है। जल भवन में आज सुबह से इसकी पूर्ण तैयारी शुरू हो चुकी है। जल भवन जयपुर के कर्मचारी अपने अपने कमरों की सफाई में जुटे हुए हैं। तत्पश्चात प्रमुख शासन सचिव समित शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा समित शर्मा ने शुभ 24 अवतार मीडिया के संवाददाता के साथ इस खास बातचीत में। एक जैपनीज टेक्निक है 5S टेक्निक, उसके तहत कार्यस्थल को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसमें 5 S होते हैं। उसमें पहला S होता है जो अनावश्यक और फालतू सामान है, नाकारा सामान है, उसको छांट कर अलग कर दिया जाए, उसका निस्तारण किया जाए। उसका दूसरा S होता है कि कार्यालय को सुव्यवस्थित किया जाए। तो आज और कल और परसों पूरे राजस्थान भर में जो अभियान चला करके और जो भी PhD ऑफिसेज हैं, चाहे पंप हाउस हैं, चाहे SC ऑफिस हैं, CE ऑफिस हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की संपत्तियां हैं, जलदाय विभाग की फाइलें हैं, इनको किस तरीके से हम इसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक टीम बना करके और एक अच्छी भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ और कंट्री के प्रति और राजस्थान की जनता के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन किस प्रकार हम दे पाएंगे उसके लिए हमारे कार्यालय को सुव्यवस्थित कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में हम बेहतर कार्य कर पाएं। जो कार्यालय है उनको सही तरीके से करने के लिए किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे, जो साफ सुथरा रखेंगे उनके लिए किस तरीके से मॉनिटर की जाएगी? अब करने दो, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी सहयोग करो हमें और आप भी इसमें जुटो काम में। आपका अगर हो गया न्यूज का आप भी जुटो हमारे साथ।